Assalamu alaikum. Khenelema hosh galdanes. Matlab, welcome to my vlog. आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे. मैं भी बिल्कुल खैर खैरियत से. एंड आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो. और आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने आई हूँ, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट. और नए साल में ये टिप देना बहुत ज़रूरी है. सो मेरे इस वीडियो को एंड तक देखिएगा. पहले करते हैं नाश्ता एंड उसके बाद जो है ना थोड़ी सी चीज़ें समेटते हैं, फिर मैं आपसे बात करती हूँ. तसल्ली. तो जी, मैं आ चुकी हूँ अपने गर्मा गर्म चाय के साथ. और उससे पहले आपको बताना ज़रूरी है, अगर आप मेरे फेस पे ये देख रहे हैं, दैट वॉज द रीज़न आई एम नॉट वेयरिंग एनी मेकअप एनीथिंग, जस्ट वेयरिंग अ लिपस्टिक. क्योंकि इस सर्दियों में यार ये होता है कि आपके ना, मैं बहुत ज़्यादा गर्म खा रही हूँ, गर्म कॉफ़ी पी रही हूँ, चाय पी रही हूँ, नट्स ले रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे एक्ने ट्रिगर कर गई है. मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा था उस पर कमेंट्स में भी कि ये आपको जो हो रहा है ये हम भी फेस कर रहे हैं. तो नाउ आई एम एट दैट पोजिशन कि मुझे अब एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ रही हैं, और वो आपको किसी भी एग्जाने से या उससे मिल जाएंगे. इट्स ऑल अप टू यू कि आप पहले तो ज़रूर एंटीबायोटिक खाने से पहले, इट्स अ लाइट एंटीबायोटिक, आप किसी अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें. मेरे डॉक्टर ने मुझे ये रिकमेंड की हुई है, तो मैं ये एंटीबायोटिक लेती हूँ. कभी भी खुद से सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिएगा. सो जी, आते हैं टॉपिक की तरफ. ऐसी बोरिंग सी वीडियो नहीं होने वाली है, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे बोला है कि आपकी वीडियोज़ थोड़ी बोरिंग हो रही हैं यार. अब घर में बैठ के मैं जितना कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए एंटरटेनमेंट बना सकूँ. सो या बच्चे के साथ, सब चीज़ों के साथ आप लोग बहुत काइंड हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, समझते हैं. सो आज का जो टॉपिक है ना, और मौसम बहुत अच्छा था तो हमने डिसाइड किया कि जब बात करनी है तो चलो ज़रा बाहर जाके करते हैं, मौसम का भी मज़ा लेते हैं, और साथ साथ मैं आप लोगों से बात करती हूँ. तो फिर मैंने वहीं पे पॉज की वीडियो और मैं बाहर आ गई अरीशा को लेके, ताकि हम भी इस प्यारी धूप का मज़ा ले सकें. देखें तो सही कितनी खूबसूरत धूप हो रही है. एंड मज़े की बात ये कि धूप तो थी, मौसम जो था वो भी अच्छा था, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी. और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है यहाँ पे, जब यहाँ पे मौसम भी अच्छा हो और हवा ना चल रही हो. और लकीली आज वो अच्छा दिन था कि हवा नहीं चल रही थी, तो हमने इस मौके का फ़ायदा उठाया. आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है. मौसम बहुत अच्छा है तो सोचा क्यों ना बाहर आया जाए और इस प्यारी धूप का मज़ा उठाया जाए, क्योंकि सर्दियों में ये धूप बहुत ब्लेसिंग लगती है. सो आप टाइटल से तो समझ ही गए होंगे कि मैं आज किस बारे में बात करने लगी हूँ. तो जैसे कि आपको पता है कि मेजर एक्सपेंस जो है इलेक्ट्रिसिटी, हमारा एक मेजर एक्सपेंस है जिसको हम स्पेंड करते हैं
एंड हमारे जो फूड बजट में से मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप बजट पे बात करें, तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो इलेक्ट्रिसिटी है और उसमें जो बेसिक टिप्स हैं कि हाउ यू कैन यूटिलाइज योर टाइम एंड हाउ यू कैन कंट्रोल योर एक्सपेंस और सही टाइम पे सही तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं कहूँगी कि इस चीज़ पे ज़रूर गूगल करें कि इलेक्ट्रिसिटी के भी एक टाइम होते हैं, पीक आवर्स होते हैं, और आज मैं वही शेयर करूँगी कि आप हमेशा उस पीक आवर को और उन यूनिट्स को नज़र में रखते हुए अपने लिए एक परफेक्ट टाइम पे वो अपने जो गैजेट्स हैं वो यूज़ करें। लाइक हम मशीनरी के बगैर हमारी लाइफ गुजारना मुश्किल है, और लाइक एज़ यू ऑल नो कि हम लोग कपड़े भी मशीन में धोते हैं, बर्तन भी मशीन में धोते हैं, चूल्हा भी मेरा तो यार मशीन में है, तो किस तरीके से मैं उसे करती हूँ, मैं हमेशा जो है इलेक्ट्रिसिटी को के पीक आवर्स में जितना ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं उसको ना यूज़ करूँ। और जो इस्तांबुल के और टर्की के टाइमिंग्स हैं, इस्तांबुल में भी डिफरेंट रीजन, टर्की के डिफरेंट रीजन में डिफरेंट टाइमिंग्स हैं, इसी तरीके से हर कंट्री में हर जगह पे डिफरेंट टाइमिंग्स होते हैं, इवन के पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी एंड US में, जहाँ भी आप रहते हैं, तो उसके मुताबिक गूगल करें टाइमिंग्स, जो टर्की के टाइमिंग्स हैं उसके में आपको आइडिया हो जाएगा। मैं यूनिट्स के साथ आपसे इसके स्टैट्स शेयर करती हूँ कि कितना फ़ायदा और कितना फ़र्क होता है जब हम जो है बिजली को एक कम टाइम पे यूज़ करते हैं, और उससे हम किस हद तक अपनी बिजली बचा सकते हैं और कितना अपना बिल सेव कर सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट वन, जो नॉर्मल कंजम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी की, वो सुबह के 6 बजे से लेके शाम को 5 बजे, उस टाइम तक यूनिट 1.37 टेले, मतलब मैं टर्किश लीरा की बात कर रही हूँ यहाँ इस्तांबुल में, 1.37 टर्किश लीरा पर किलोवाट होता है। तो इसी लिहाज से आप सुबह 6 बजे से अगर 5 बजे तक कोई भी मशीनरी यूज़ करेंगे तो वो एक नॉर्मल आपको जो है ना बिल चार्ज करेगी। अब मैं आपसे बात करती हूँ पीक टाइमिंग्स की। तो पीक टाइमिंग्स में जो है आपको जो है शाम को 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक मैं आपसे कहूँगी कि कोशिश करें कि कोई भी अपनी मशीनरी हैवी ड्यूटी की ना यूज़ करें, स्पेशली इस्त्री हो गई, आपकी वॉशिंग मशीन हो गई, और आपका डिशवॉशर हो गया, या आपका वैक्यूम हो गया। कोशिश करें कि जो है ना 5 से लेकर 10 रात के 10 बजे तक उसे यूज़ ना करें, क्योंकि उस टाइम तक 2.75 किलोवाट तक जो है पर यूनिट जो है आपको मिल जाता है, चार्ज होता है लीरा में। एंड मैं फिर बता रही हूँ, मैं इस्तांबुल की बात कर रही हूँ और मैं ये लीराज में बात कर रही हूँ। आप उसको जो है गूगल में सर्च कर सकते हैं, आप अपने रीजन के मुताबिक टाइम चेक कर सकते हैं। यहाँ का रीजन 5 से लेकर 10 बजे तक का है, जिसमें आप कोशिश करें कि कोई भी इस तरह की आप यूज़ ना करें हैवी ड्यूटी मशीनरी, क्योंकि वही एक मेजर टाइम है जब सबसे ज़्यादा यूनिट चार्ज होता है, और उसी टाइम पे आप जितना सेव करेंगे उतनी ही आपकी बिजली होगी। इसमें भी है कि अगर आपके पास कोई बड़े बल्ब्स हैं उनको भी कोशिश करें कि उस टाइम तक ना यूज़ करें, एंड बाकी तो आपको समझ आ ही गई होगी। सो नंबर 3 एंड सबसे अच्छी चीज़ जो मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ, जिस पे मैं भी अमल करती हूँ, जो सबसे कम बिजली यूज़ होती है जब नॉर्मल से भी हाफ पे यूज़ होती है, मैं वो टाइमिंग आपसे शेयर करने वाली हूँ जो कि शायद लोगों को इतना अंदाज़ा ना हो, बट मैंने बहुत सेव किया है। टाइम है रात को 10 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक, ये टाइम है जब आपका पर यूनिट या पर किलोवाट जो है 0.74 लीरास जो है ना 0.74 मैं बात कर रही हूँ लीरास आपको वो चार्ज करते हैं, विच इज़ क्वाइट रीजनेबल। सो मैं क्या करती हूँ, मैं उस टाइम पे मोस्टली अपना डिशवॉशर रात को 10 बजे के बाद ऑन करती हूँ, और अगर मैंने कपड़े भी इस्त्री करने हैं तो मैं रात को 10 बजे के बाद मोस्टली करती हूँ, या सुबह फजर के टाइम उठ के करती हूँ। दीज आर द बेस्ट टाइमिंग जब आप ये काम कर सकते हैं। हाँ, आज तक सर्दियाँ हैं तो इससे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी वॉशिंग मशीन जो है नॉर्मल टाइमिंग पे ऑन करूँ, क्योंकि वॉशिंग मशीन एक ऐसी चीज़ है जिससे ज़्यादा शोर आता है, और आपको पता है अपार्टमेंट में घरों में जो है आवाज़ें बहुत ज़्यादा गूंजती हैं, तो ये हमें अपनी इसका भी ख्याल करना है। तो ये वो ट्रिक्स एंड टाइमिंग हैं जब आप इनको यूज़ करके एंड टाइम पे अपनी मशीनरी को यूज़ करके अपना बहुत सारा बजट सेव कर सकते हैं।
और फिर यहाँ से हम लोगों ने प्ले एरिया का रुख किया। अरीशा को झूले झूलने थे एंड मुझे भी बहुत अच्छी धूप लग रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो अरीशा झूलों पे इन्जॉय करे और मैं आराम से यहाँ बैठ के धूप सेकती हूँ। और इस तरीके से इस प्यारे मौसम को हमने इन्जॉय किया। आई होप आप लोगों को जो है मेरा आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर वाकई पसंद आया तो प्लीज़ मेरे जो है ना ब्लॉग को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसके साथ साथ मेरे जो है ना कमेंट्स में ज़रूर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। आपका फ़ीडबैक बहुत मैटर करता है। एंड साथ साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे चैनल के सपोर्ट के लिए आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे में और मोटिवेशन आएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आऊँगी मैं एक और नए ब्लॉग के साथ, नई चीज़ के साथ। कुछ अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझसे आइडियाज़ शेयर करें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपके उन आइडियाज़ के मुताबिक वीडियो बना सकूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।